होटल्स रेस्टोरेंट्स बार्स जिहड़े हैगे आ असीं उहनां दा जिहड़ा कूड़ा उत्थों कलैक्ट करके लैके आने आ जी। पंप दे कोल खड़े नहीं हो सकते क्योंकि सानू बहुत ज्यादा स्मैल आउंदी है ते साडे सोना है मैं कूड़ा नहीं कहूंगी माफ करना ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਸਟਬਿਨ ਅਲੱਗ ਲਗਾਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹਰ उत्थे भी प्रोसैसिंग यूनिट लगा सीगा ते फिर मैं देखा भी काम तो ठीक हैगा ते बीड़ा अपने शहर लई चकना पैना है। उत्थे बंदियां कोल कई धार्मिक आगूआं कोल भी गया भी कुछ हैल्प की जाए पर वाह भाई मिली है जी हैल्प तो किसी ने दी नहीं। आप हलचल टुडे देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं कीर्ति। तो सारे जानते हैं कि घर बहुत सारिया वेस्ट चीज़ा होंगे ने, स्पेशली जो असं कोई भी सब्जी लियाने या कुछ करते हैं तो असं इदा ही सब्जियां सुट दें उन्होंने चीज़ों सुट दें साडे लिए होंगे कि असी कूड़ा सुट दिता जो कूड़े वाला साड़िया गलिया के आता साढ़े घर आता तो असं उन्होंने लिफाफे पैक करके जो डस्टबिन लाए होंगे ने तो चक के असी कूड़े वाले दे दें कि तुम लै जाओ, पर कूड़ा कितने जाता है की हुंदा है उस कूड़े का। कई बार साढ़े दिमाग दे विच ते ही हुंदा है कि जे असीं जलंधर दे विच रहने हां ते जलंधर दे विच बहुत सारे वरियाणे दे विच सब तो वड्डा डंप आ ते कूड़ा सारा उत्थे जाके सुट दिता जांदा जां भगत सिंह चौंक आ ते उत्थे सुट दिता जांदा, पर होर भी बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां उह सामने निकल के अज साढ़े आईयां ने कि इह कूड़े नूं असीं यूज़ किवें कर सकदे हां, इह कूड़े दी असीं ऑरगैनिक खाद किवें बणा सकदे, क्योंकि हर इक दे दिमाग दे विच अजकल इह हुंदा कि असीं जदों कोविड दा दौर चलदा सी ते हर कोई कहिंदा सीगा कि तुसीं प्लांट लगाओ ऑक्सीजन लो इदा करो उदा करो तो वो दौरान सानू उदो इस चीज़ नू रिलाइज असी कीता कि वाकई पौधे लगाना किन्ने जरूरी आ। पौधे जिहड़े साडी जिंदगी दा एक हिस्सा बन चुके ने, सानू इन्हां तो ऑक्सीजन मिलती है तो साडी कार्बन जिहड़ी ऑक्साइड आ वो किन्नी मात्रा दे विच जिहड़ी ऑब्जर्व करदे ने। उस तो बाद असी बहुत सारियां चीज़ां देखते हैं कि जदों असी कोई जगराता करदे हां जां असी होर कोई दिन त्यौहार जदों मनाउने जां साडे घर दे विच कोई फंक्शन हुंदा ते असी डेकोरेशन करदे हां फुल्लां दी, जो फुलों की असं डेकोरेशन करते हैं तो बाद दे विच फुल असं जो सुटते भी हाँ किसी के उत्ते तो फुल बाद सानू हुंदा कि पैरां च गए तो वेस्ट हो गए ने, हुण इन्हां इस्तेमाल च नहीं किया जा सकता, जां तो कूड़े दे विच जाणगे जां इन्हां नू साड़ दिता जाएगा जां कुछ भी किसी भी तरीके दा इन्हां दे नाल जो भी किया जाएगा। पर असीं अज खास तौर पर थोड़ी जानकारी दे विच लिया दिए कि कोई भी चीज़ जिहड़ी ओह वेस्ट नहीं हुंदी, उहनू दुरउपयोग उहदा किया जा सकता है, क्योंकि असीं साइंस दे विच सारिआं ने पढ़िया होएगा कि हर एक चीज़ की दुरउपयोग जिहड़ी ओह कीती जा सकदी, कुछ चीज़ां हुंदियां जिन्हां दा नहीं किया जा सकता। पर सारिआं ने एक मूवी भी देखी सी सरदार जी, उहदे विच दलजीत मुल्लियां उगाउंदे ने होर भी बहुत सारिया चीज़ा उगाते हैं तो अज असी रियल लाइफ के सरदार जी को आए हैं कि जिन्हों को असी वाकई जानने की कोशिश करांगे कि वेस्ट मटीरियल किवें यूज़ करते हैं तो किवें की करते हैं। हरप्रीत जी पहला तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत मैडम। तो मैं हरप्रीत सिंह जलंधर के अपना एक सैटअप लगाया हुआ है जिते तुसी अज पहुँच की हैगी है। मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार अपनी कारपोरेशन का जिन्होंने सानू सपोर्ट की भी जगह मुहैया करवाई पंजाबी जी एम साहब को, तो बाकी साड़ी जिहड़ी टीम हैगी बड़े उत्साह दे नाल जलंधर दे विचों दी कुछ होटल्स रेस्टोरेंट्स बार्स जिहड़े हैगे आ असीं उहनां दा जिहड़ा कूड़ा उत्थों कलैक्ट करके लैके आने आ जी। कलैक्ट करन तों बाद असीं उस कूड़े की जिहड़ी खाद बनाने हैगे आ और खाद जिहड़ी हैगी आ साडी यूनिवर्सिटी तों मानता प्राप्त है जी। असी भी थोड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि जिहड़ा तुसीं इह बीड़ा चक्या आ कि कूड़ा सारा चक के इत्थे लियाउणा, पर असीं मोस्टली देखते हैं हरप्रीत जी मेरा पहला सवाल यही है कि जदों असीं देखते हैं असीं डंप दे कोल खड़े नहीं हो सकते क्योंकि सानू बहुत ज़्यादा स्मैल आउंदी है तो साडे दिमाग नूं चढ़न लग जाती है, पर असीं इत्थे खड़े हैं इस टाइम साडे पिछे भी जिहड़ा कूड़ा पिया होया पर तुहाडे लई सोना है मैं कूड़ा नहीं कहूँगी माफ़ करना, ये जिहड़ा समान सारा पिया होया इहदे चों स्मैल बिल्कुल नहीं आ रही, उहदा की कारण है कि इहो जिही चीज़ पाई जाती है। मैडम ये असी एक इंपोर्ट करवाया सीगा जी बायोकल्चर, वो सिर्फ तकरीबन 20 टन दे विच एक किलो दी रिक्वायरमेंट पैंदी हैगी, असी एक जां दो चमचे डेली अपनी स्प्रे गन च पा के जिस तरह ही मेरी साइट ते कूड़ा उतरदा हैगा लिफ्टिंग लैके आंदे लड़के असी नाले उहदे उपर बायो जिहड़ा हैगा अपना ओडरलैस स्प्रे कर दिंदे आ। हुण तुसीं भी मेरी साइट ते खड़े आ
कोई तुहानू स्मैल नहीं आ रही है। मेरी किचन वेस्ट भी आ रही है, मेरी जूस बारा की वेस्ट भी आ रही है, मेरी बस स्टैंड के अंदर होटलों की वेस्ट भी आ रही हैगी है। पर असं जो असं पर एक ओडरलैस कल्चर लगा देंगे है, ओडरलैस कल्चर का स्मैल सारी खत्म हो जाती हैगी है। उस तो बाद फिर असं इनू प्रोसैसिंग लैके जाते हैं जी। पर जो यह सारा कुछ लैके आया जाता हूँ कई बार लोगों समझ नहीं होंगी, स्पैशली असं भी अपने घर पानी वाली चीज़ा भी इदा ही पा दें, दूसरिया सुकिया चीज़ा भी अं पा दें, मिक्स कर दें, मिक्सचर बना दें भी मुड़ के जो थोड़े को आँदी उदो औख नहीं होंगी इन्होंने चीज़ों को किमें वखरा करते हैं जो कि अगर चुनौती भरिया हों भी इन्हों कि इकट्ठा करना कि अलग अलग करना। देखो असी तो कारपोरेशन की गाइडलाइन के मुताबिक चलते सके, जो होटल्स ज रेस्टोरेंट ज मेरे कलोनिया लगिया से असं उनकी रिक्वेस्ट की आ, लोग वासी जो जलंधर के समझदार हो गए उन्होंने अपने ही घर डस्टबिन अलग लगाते हैं, फिर भी वो जो उन्होंने घर के सर्वेंट है माइनर जी गलती कर देंगे, कोई प्लास्टिक या कोई कोई लिफाफा वगैरह सानू वैट गारबेज बचा जाता है। सब तो साडा पहला काम यही होंगे भी असं उस वैट गारबेज की भी इतने सैग्रीगेशन करिए, असं कोई 6 फुट का टेबल बनाया उन्होंने सैग्रीगेशन टेबल कहते हैं, वो उपर लड़के है कि कोई माइनर जहाँ भी पॉलीथिन होंगे अबले तो आने की चांसिस बहुत घट दें, फिर भी कितने गलती ने कोई आ जाता असं उत्थे उन्होंने छाट लें। तो बाकी जो ड्राई है जो गारबेज है वो सू ड्राई गारबेज वखरा आता जी लिफाफे, उन्होंने लिफाफे भी जो कुछ वन टाइम यूज लिफाफे होंगे असं वो भी डंप से नहीं सुटते हैं, असं उन्होंने तुम देख रहे हैं प्लास्टिक दी बॉटल्स पई हुई हैं, असं एक बॉटल्स में इतने 350-350 ग्राम की फिलिंग करते हैं, वो जो कूड़ा है 350 ग्राम जमीन जाने की बजाय एक बॉटल के अंदर असं कैद कर देंगे। और साढ़े ना एक पुनीत खन्ना जी है हरियाबल पंजाब तो, असं उन्होंने कहा भी सर तुम साढ़े को आके यदा नाम दिता उन्होंने ईको ब्रिक, अभी साढ़े को तुसी आके ले जाया करो ईको ब्रिक तुहानू जिन्नियां चाहीदियां हैगियां, साढ़े लिए बॉटल वेस्ट है बट असी हुण इस बॉटल का भी ही रीसाइकल करके असी पैच वर्क शुरू कर दिता जी। कारपोरेशन दी सड़कां जिहड़े खड्डे पै चुके हैगे आ, मेरा अंडर प्रोसैसिंग है यह काम, जिदन सानू किसी डिपार्टमेंट तो झंडी मिल गई असी जंगी पद्धर ते काम करांगे जी, पैच वर्क बनावांगे। तां दिमाग च हरप्रीत किवें आया क्योंकि तुसी कैनिकल इंजीनियर हो ते तुसी उधर लगे हुए सीगे, ते एकदम ऐ किद्दां आया भी मैं हुण टाइम किवें कढ़ दिओ ते इक इहनू चीज़ नू करना लोकां दे लई फिर उत्तों बड़े जेन्युइन प्राइज रखने ये किवें मैनेज कर दिओ? मैडम देखो काम करन लई 100 राह आ, ना करन दे बहाने बहुत आ, ठीक है। हुण मेरी फैक्टरी रनिंग कर दी, मेरी कपूरथला रोड ते मेरी फैक्टरी आ, मेरे फादर साहब देखदे आ, मैं भी टाइम दिंदा उत्थे, साड़ियाँ जिहड़ियां कंपनियां ना असीं काम करदे साड़ियां सारे काम बजे होए आ उत्थे, कोई सिर खपाई वाला बहुता काम है नहीं गा। फिर मैं वो दिमाग अपना इधर लाना शुरू किया भी एडे वड्डे शहर च किसी नूं तो एक मोहरी बनना ही पैना, जे असीं अज चलांगे मेरे नाल, मैं 2-3 दिन पहला भी मेरा एक प्रोग्राम चलिया सीगा और सानू 2-3 NRIs दे फोन आए भी तुहानू असीं इनवैसटमेंट दिंदे तुसीं काम करो, तो यही जे काम मेरी कारपोरेशन मेरे नाल सांझ करके करे तो मैं हुण अपने नवां सैटअप दी ऑर्डर दित्ते होए हैगे, मैं 22 तों 25 टन जिहड़ा वैट गारबेज हैगा उन्हूं रोज़ मैन्योर में शिफ्ट करन दी बुड़ा चक्किया जी, और कुछ बंदे मेरे नाल साथ देने तैयार हैगे भी असीं तेरे नाल हैगे आ, तुसीं काम करो मशीनरी डर परवाह ना करो, मशीनरी तुहानूं असीं इनवैसट करके दिंदे हैगे आ, जे मैनूं उह मशीनरी मिल जांदी हैगी आ तो अप्रोक्सीमेटली मैं जे 2 शिफ्टां 'च भी काम करा तो 40 टन कूड़ा मैं डंप ते रोक सकदा हैगा जी डेली दा। की प्रोसैस होंदा इहदा, किन्ना टाइम लगदा, किन्ने दिनां दे विच जिहड़ी ऑर्गेनिक खाद दा कूड़े तों बण के तैयार हो जांदा? देखो जो कंपनियां मशीनां वेचदियां ना, कंपनियां मशीनां वेचण लगे ये कह दिंदियां भी ऑर्गेनिक खाद बनाने की मशीन, जो बिल्कुल सरासर झूठ है। ऑर्गेनिक खाद नूं बनने लई घट्टो घट 30 दिन का टाइम लगता जी, असी अज जो इतों अपनी खाद नूं प्रोसैसिंग करके कूड़े नूं लै जाना हैगा इहनूं असी एक बाहर रेंट दी जगह लिती हुई उत्थे रख लैंदे आ जी, उत्थे असी एक अपने खुद मैं अपनी फैक्ट्री विच सिस्टम बना के दिते उहनूं टर्नर कहिंदे हैगे आ, फिर लड़के जाके चौथे दिन उन्होंने टर्न करते हैं, जो तक तुम इस खाद में टर्न नहीं करोगे ये एंजाइम सरवाइव नहीं करेंगे, तो हल्का हल्का सानू पानी भी लाना पैंदा उपर ये, क्योंकि जो पानी लावे मॉइस्चर बनया रहेगा वो तेजे एंजाइम अंदर जींदे रहेंगे, वो सानू हफ्ते 2 बारी करना पैंदा सारा सिस्टम उत्थे जाके, फिर 30 दिनों के एक चाह पत्ती की फॉर्म के खाद बन के बाहर आती है जिन्हों आप गोल्ड ब्लैक गोल्ड कह सकते हैं जी, वो जी साड़ी खाद हैगी आ, वो साड़ी एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी ने सॉयल डिपार्टमेंट ने सानू उहदा सर्टिफिकेट दिता होया भी ये बिल्कुल शुद्ध खाद मनी गई है, इहदे अंदर कोई हैवी मैटल्स नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं हैगा जी। जो तो शुरुआत की सी उदों मतलब कितना टाइम लगा सीगा, फिर इहनू करके कित्थे दिखाया गया सी पहला, ते शुरुआती दौर दे विच किवें दा एक्सपीरियंस बनिया सी तुहाडा? देखो मैडम कोई भी काम करना जदों तुहाडे कोल एक्सपीरियंस नहीं हैगा यू कैन नैवर सक्सैस। मैनू इत्थे साडे अशिका जैन मैडम हुंदे सी जॉइंट कमिश्नर, उन्होंने मैनू बड़ी मतलब मेरी हल्लाशेरी की, हरप्रीत तुसीं एक बार दिल्ली जाके आओ, दिल्ली च बहुत मशीन लगियां सीगियां, मैं 4 दिन दिल्ली लगातार अपनी गड्डी च विजिट करता रहा साइट टू साइट कारपोरेशन की लिस्ट लैके, फिर मैं गाजियाबाद भी गया जिहड़ी बहुत वड्डी मंडी आ उत्थे दी, उत्थे भी प्रोसैसिंग यूनिट लगा सीगा, तो फिर मैं देखा भी काम तो ठीक हैगा,
तो बीड़ा अपने शहर लिए चकना पैना है। मैं कई बंद कई समाज सेवक जथेबंदियों को कई धार्मिक आगुआ को भी गया भी कुछ हैल्प की जाए पर वाहवाही मिली है जी हैल्प तो किसी ने दी नहीं आपां नूं। फिर मन बनाया नहीं अपने शहर लिए कुछ करना तो फिर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ला के मशीन लिया प्रोसैसिंग लाई। पहले एक दो महीने दिक्कत आई वो नैचुरली हर काम आदियाँ जी पर मेरे लड़के की जी टीम हैगी है सारे लड़के मेरे नेपाल तो आए हुए हैं मेरा बड़ा साथ दे रहे हैं और बड़े उत्साहपूर्वक काम को लैके कर रहे भी असी कुछ करना तो ते सामने देख लो कोई घिण नहीं महसूस करता पाया कोई घिण वाला काम ही नहीं है। जे असी यही संतरा आप रसोई रख दी सू संतरा जे वह छिलड़ा जाए वो साढ़े लिए कूड़ा है कुछ भी हउआ बनाता। मैं अपने शहर वासी ने एक रिक्वेस्ट करनी चाहता भी अपने रैक पिकर कूड़ा छांट के दौ जे तुहाडा रैक पिकर कोई दिक्कत करता साढ़े न कॉन्ट्रैक्ट करो असी 10 किलोमीटर का एरिया कवर में तुहाडी सेवा च 24 घंटे हाजर हाँ। पर आ तो चलो असं देख लिया कि जिहड़ियां सब्जियां हुंदियां ने जां फल फ्रूट के छिलके ने आपां उहनां नूं यूज़ कर लैंदे हैं ना पर दूसरे पासे मैनूं इह बड़ी हैरानगी होई कि फुल्लां नूं असीं किवें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपां कहिंदे ना भी जां तां इक फुल दा सुट दो फुल उग गया हुंदा ते फिर जां फुल तुसीं इन्ने बड़े लै के आए हो इहनां नूं किवें यूज़ करना ते इहनां ते की एक्सपैरिमेंट है तुहाडा? मैडम इस तरह भी जिहड़े फुल हैगे आ इह सानूं इक दो जिस तरह अज तुसीं आए हैं सोमवार हैगा इह कल जगराता सिगा जगराते वाले ने कहा भी साढ़े को तुसीं जिहड़ा 100-200 लैणा लै के साढ़े फुल चक लो उन्हां वास्ते वेस्टेज हैगी आ क्योंकि बड़ी आस्था वाली जगह तो आए हैं क्योंकि किसी मूर्ति से पाए है जा रब दे अगे पूजा कर अर्चना लोग लैके जाते हैं फिर असी इहदे फुल कट्ठे कर लैंदे आ। इन्हां फुल्लां नूं अज दा संडे हैगा आ इह हुण दुपहरों बाद मेरी मशीन धोती जाएगी पूरी तरह जिस आस्था नाल उत्थों फुल आए उसे आस्था नाल इन्हां फुल्लां की खाद बनाई जाएगी और इहदे सानूं बायोकल्चर भी घट पाना पैंदा इह बड़ी जल्दी डीकंपोज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू वैजीटेबल वेस्ट नालों जी। पर एक तुसीं होर दस रहे सीगे ना कि जदों असीं बूटे ला जांदे आ ते फिर बूटे लाउण तों बाद सानूं कई वारी फिकर रहिंदा कि इहनां नूं पाणी कौण पाएगा क्योंकि असीं तां इन्ने दिनां लई बाहर जा रहे हैं तो उहदे लई खास प्रबंध की है क्योंकि तुसीं कह रहे सीगे कि खाद इहो जी है कि जिहनूं 6 दिन भी जे तुसीं पाणी नहीं पाउंदे तो सड़ जांदा। एक्चुअली इस तरह मैडम जलंधर शहर के मैं सब्जी मंडी जाके सर्वे किया अपनी टीम के नाल सानू उतों आढ़ती एसोसीएशन तो पता लगा भी 2 तो 3 ट्रक जलंधर च रोज़ कोकोनट दे आ रहे हैं लोग कोकोनट का पानी पीते अपनी सेहत वास्ते पर जोड़ा वो शैल हैगा वो शैल मेरे सेहत की ज शहर की जी सेहत हैगी खराब कर रहा है। फिर नैट के उपर सर्च की भी इनू आप कि नुकरे लाइए फिर नैट पर लभदे 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 मेरे ना 2-3 ग्रुप यूट्यूब उपर से उन्होंने मैं कुछ लिंक भेजे मैं लिंक देखद्या सार सेम डे यदि मशीन तैयार करनी शुरू करती और आते 10 दिनों के जलंधर के मॉडल टाउन एरिए जिन्ना कोकोनट का शैल है असी एक दुकानदार रेहड़ी वाले जूस बार वाले कहोंगे प्लीज़ उन्होंने अपने रैक पिकर ना दो मेरे ना टाइम फिक्स करो मैं अपने खर्चे से अपनी गड्डी भेज के उतो कलैक्ट करूँगा और ही कोकोपिट बनाई इस टाइम मैडम मेरी प्रोसैसिंग हैगी कोकोपिट मेरे को इस टाइम ऑरगैनिक खाद पई हुई हैगी जी कोकोपिट्स है मेरे प्रोफेसर से डॉक्टर जेतली मैं उन्होंने कोलों राय लीती भी इनू आप डीकंपोज कि छेती कर लिए कहते सोडियम क्लोराइड का बेटा घोल च पाओ पर जे सोडियम क्लोराइड के घोल के डीकंपोज तो 24 घंटे हो जाते हैं उपर जो आप कोकोपिट बनावे वो मेरे हार्मफुल हो जाए क्योंकि अंदर लून पै चुका है। फिर यदा हल इको लभ्या गया भी इन्हों कोकोपिट कोको शैल है फाड़ो फाड़ के एक दिन हवा लगाओ फिर इन श्रेडिंग मशीन च बना दो वो श्रेडिंग मशीन जो अभी पाने वो सूँ तूड़ी की शेप मतलब कि बरीक बूरे की शेप के बन के कोकोनट का शैल खत्म हो जाएगा और कोकोनट के शैल की खासियत यह हैगी है जे तुम 1 किलो कोकोनट के बूरे 5 लीटर भी पानी पा दोगे तो सिंगल ड्रॉप भी बाहर नहीं आएगी इन्ना पानी अब्जॉर्ब कर लेंगे तो यह अपने शहर वासी एक वक्री सुगात देवे कोकोपिट की भी अपनी मिट्टी मिक्स करो अपने बूटिया के पाओ एक हफ्ते 15 दिनों बाद खाद का रूप धारण कर जाते अपने आप ही और पानी अब्जॉर्ब करके रखते हैं जो थोड़ी फैमिली ने 5-7 दिन लिए बाहर भी जाना तुम एक बार पानी पा जाओ मुड़ के बूटिया पानी पाने की भी जरूरत नहीं हैगी इन्ना पानी कोकोपिट अब्जॉर्ब कर लेंगी अपने अंदर। हरप्रीत ये तो हो गया चलो ये साढ़े घर रोज़ाना मिल जाता है ना इस तो इलावा फुल है वह भी हूँ फेस्टिवल चल रहे हैं तो वह मिल जाता खास तौर पर हम जिदा फेस्टिवल चल रहे हैं वैडिंग सीजन चल रहा है तो वह एक और खास चीज़ जिहड़ियां मिठाइया होंगे ने स्पैशली वह भी बड़ी वेस्ट होंदिया ने कई बार घर ही नहीं कोई खाता तो इदा पईया रहिंदियां बाद जो कूड़े वाला आंदा सी चक के फड़ा दें भी तुम इन सुट दो तो उन्होंने भी कोई यूज़ करने का तरीका बना बनाया हुआ जी। मैं एज ए ट्रायल के तौर पर एक से स्वीट शॉप वाले को जिस तरह अंदर पेठा सेगा वो 2 तो 3 टन पेठा उन्होंने खराब हो गया उन्होंने कहा भी इन डंप से पा दो मैं कहा तुम मैं सिर्फ गड्डी का खर्चा दे दौ 500-400 रुपया मैं आप ही लिफ्ट कर लूँगा मैं लिफ्ट करके तेरे सामने सारा इस ड्रम सिर्फ वो अपना है पेठा ही पाया हुआ और 15 दिनों के पेठा पूरा डीकंपोज हो गया जे ये डंप से जाता तो गंदगी फैलती तुम मैं दिखा
आई देख सकते हैं आज सारे जो अंदर एंजाइम पैदा हो चुके हैं जो सुंडियां नज़र आदि ये लोगों वास्ते सुंडियां आ पर साढ़े लिए मित्र कीड़े आ देखो जी इन्होंने ही डीकंपोज करना अभी कोई बाहरों लिया के सुंडियां नहीं पाते साढ़े को कल्चर पिया हुआ एक अंदर असं कल्चर ही सिर्फ पाना जी 10% वो कल्चर ने ही अगों इन्हों एंजाइम पैदा करना और एंजाइम पैदा करने बाद यह सुंडियां की शेप अपने आप हो जाए मेरा पूरा डस्टबिन भरिया इस 3 बारी असं माल पा चुके हैं जी 70-70 किलो यदि टोटल कपैसिटी जी है 100 लीटर की है पर अभी फिर भी 210 किलो डीकंपोज इन 15 दिन हो गए जी इत रखे जी ये हूँ तो रेडी है जी असं सिर्फ अपनी साइड से ले जाना है हल्का जहा पानी लगाना तो छनाई कर देनी दैट्स इट जी मतलब हुण जिहड़े लोकां दे घरां च मिठाइयां वेस्ट होणगियां उह तुहानूं फोन करन उहनूं मिठाइयां तुसीं ले आए बिल्कुल जी बिल्कुल तुहाडे उहनां दा रैक बिकर हैगा रैक बिकर नूं मिठाई लोकी की बेसमझी करदे आ अपने गिल्ले कूड़े च पा दिंदे आ उहनूं लिफाफे च बन्न के गड्डी च रख दिओ ठीक है वह रैक बिकर की करदे आ वह अपने कुछ फायदे वास्ते कूड़ा डंप ते सिट दिंदे आ जो साडे लई बहुत नुकसानदायक हैगा मैं फिर भी अपनी जिहड़े जलंधर दी एसोसीएशनस हैगीआं जां साडे प्रधान साहब हैगे उहनूं इक वार रिक्वेस्ट करदा भी जो भी कूड़ा तुहाडे रैक पिकर च लैके आउंदे हैगे आ उहनूं प्लीज़ ड्राई ते वैट वक्रा वक्रा करके लैके आन जोड़ा ड्राई है हूँ कारपोरेशन ने भी अपना एक यूनिट फुलड़ीवाल एक कंगनीवाल के कोल लाया हुआ जी उत्थे भी प्रोसैसिंग चल रही हैगी है तो साड़ा कूड़ा जोड़ा सामभ जाए मैं तो कूड़े का वॉल्यूम रिड्यूस करना जी दिन रात असी इसे टीम मेरी टीम कुछ अच्छे प्रोफेसर जोड़े वेस्ट मैनेजमेंट के काम करते मैं उन्होंने लिंक के उन्होंने गाइडलाइन के मुताबिक मैं काम कर रहा कुछ स्टूडेंट्स है जोड़े एस सी जी की स्टडी करते पे वो मेरे को आते हैं वो अपनी मेरे ना गल्लां बातां सांझियां शेयर करते हैं जो उन्होंने किसी चीज़ की लोड़ पैंदी कोई टूल बना दी मैं अपनी उन्होंने वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करना मेरी वर्कशॉप जाओ अपने टूल बनाओ आप इतने ट्राई करिए इस चीज़ की आईडी मशीन भी असं बना रहे कोकोपिट की यह भी मेरे को 2-3 स्टूडेंट आए थे मैं उन्होंने आइडिया शेयर किया कहते सर तुम माल मंगाओ असं इन मशीन रेडी करते हैं कि हूँ मतलब लगता कि जो मैं शुरुआती दौर तो हूँ वाकई लगता कि जिस मैं जिस लैवल से आना चाहता सीधा मैं चाहता सीधा हो जाए लोग गल समझनी शुरू कर देन कि लगता कि हूँ वाकई मुकम्मल होना शुरू हो गया जो भी थोड़ा जहा है 19-21 का फर्क हजे 19-21 का नहीं फर्क बहुत है लोग सिर्फ पैसा देने तो कतराते हैं कूड़े का खलारा वह पाते हैं तो मेरे बंदे ने कहते कूड़े वाला आ गया कूड़े वाले तो लोग खोदे जी लोग कूड़ा खुद दे रहे हैं तो मेरे बंदे ने कहते कूड़े वाले आ गए हैं असी फिर भी कहते चलो ठीक है इंसान हैगा एक कूड़े वाला 100 रुपया पर घर चो लैंदा लोकी उन्हों भी देने थोड़ा जिहा किचकिच करते हैं भी 100 रुपया बहुत ज़्यादा वो लोग 200 रुपये का पीज़ा तो रात को खा सकते घर बैठ के जरा 10 मिनट में खपत हो जाएगा पर 100 रुपये ना एक महीने का कूड़ा लिफ्ट करना यह बहुत औखा काम है और बड़ा घट रेट असं करते हैं लोग इस तो भी कतराते हैं भाई नहीं 100 रुपया ज़्यादा हैगा पर 100 रुपये जे मैं लै रहा है तो मैं अपनी कारपोरेशन का 1000 रुपया बचा भी रहा जी क्योंकि जो ये कूड़ा डंप से जाना है उत्थों लिफ्ट होना है उस गौरमेंट गड्डियां लगनियाँ उस गौरमेंट के ड्राइवर की सैलरी आ JCB की सैलरी आ फिर उन्होंने तो डंप से सीटना है उन्होंने डीकंपोज होने साल लगता कि 6 महीने लगते हैं ये बारे तो महाराज जानता पर असी इनू काम 30 दिन करते हैं लोगों अगर एक ही रिक्वेस्ट हैगी मेरे जो मैं मीडिया के आना शुरू किया होटल्स वाले अपने आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे भी ठीक है क्योंकि उन्होंने चलान कट्टे जाने का डर हैगा ये कारपोरेशन का जब तक डर बरकरार रहेगा तद तक डंप के उपर कूड़ा जाना बंद हो सकता जी की मैसेज देना चाहते बाकी लोगों क्योंकि हम तो सारा कुछ असं देख ही लिया तो वाकई ये रिजल्ट भी बड़े अच्छे आ रहे हैं तो की मैसेज देना चाहते मैसेज यही क्यों देना चाहता भी मेरा शहर साफ रहे तो वह सिर्फ शहर वासियों के सहयोग ना रह सकता है तो मैं शहर वासियों का सहयोग चाहता है भी इस काम के मेरा सहयोग देन वध तो वध प्लीज़ कूड़े डंपां के उपर ना सिटन कुछ सब्जियां वाले कुछ होटलों वाले रात को आते जी 11-12 बजे तो बाद मैं डर आ भी पुलिस वाले ना फड़न या कारपोरेशन दे 12-12 बजे तो बाद मैं परसनली विजिट की इतने डंपा ने उन्होंने रेहड़ियों वाले सिट के जाते हैं प्लीज़ हम अगर हाथ जोड़ के बेनती है भी डंपा के उपर रात बराते कूड़ा ना पाओ असं जो तुहाडे कोल घट पैसे से काम करते हैं असं कूड़े टिकाने ला रहे हैं बस यही मैं शहर वासियों को एक अपना संदेश देना चाहता जी बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत ठीक है मैडम सत सो हरप्रीत होरा ने बड़ा अच्छा बीड़ा चक्या होया क्योंकि असी आले दुआले देखते भी चीज़ का ध्यान खास रखना चाहिए क्योंकि जे असी भगत सिंह चौंक वाले डंप की गल करिए तो आले दुआले बड़े रिहायशी एरिए ने उदे आले दुआले दुकाना बहुत ने तो उदा इफेक्ट जिहड़ा लोगों पर पैंदा गंदगी बदबू जाती है थोड़े तो जो उही कूड़ा तुसी उत्थे ना सुट्टो तो इधर दवो तो उस चीज़ नूं यूज़ किया जा सकता जे वरियाणे वाले डंप की गल करिए भी आले दुआले कुछ घर ने उत्थे भी लोगों ते प्रॉब्लम्स हो सकदियां ने बीमारियां सानूं घेर सकदियां ने बदबू दे विच क्योंकि असी जिस जगह
जगह पर खड़े इतने वीक कूड़ा हैगा पर स्मैल नहीं हैगी वह असी बड़े आराम के नाल खड़े हाँ तो पर बार बार जो तो कोई यहोजा बीड़ा चकता तो सानू उन्हों का साथ देना चाहिए ताकि असी भी अपने जलंधर शहर नू अपने आले दुआले नू साफ सुथरा रख सकीए ताइयों असी एक चंगा एक जिहड़ा असी स्मार्ट सिटी कहने आ ताइयों नू स्मार्ट सिटी के शब्दों के विच असी परो सकते हैं ताइयों असी भी तंदुरुस्त रह सकते हैं जदों असी हरप्रीत होरां दा साथ देवांगे इहो जिहे लोग जदों उठ के अगे आउंदे ने कोई जिहड़ियां चीज़ां वेस्ट मटीरियल दीआं बणाउंदे ने ते वाकई अज मैं भी खाद लैके जाऊँगी तो उहनू यूज़ करके जरूर देखूंगी कि वाकई वह चीज़ हुंदी है ते दूसरी उहनां ने एक होर गल दसी सी उह भुल गए पर मैनू याद आ कि जो बूटे लगाने हैं तो उदे नाल वो बूटियां दे नाल हुण घड़े भी दिंदे ने कि उहनू तुसीं किवें इस्तेमाल कर सकते हो सो तुसीं वह भी जानकारी जिहड़ी आ के हरप्रीत होरां कोल लै सकदे हो ते सारे रल के आओ असीं रल के सारे अपने जलंधर शहर नूं तंदरुस्त एक सोहणा स्मार्ट सिटी जे कहिंदे तां उहनू स्मार्ट सिटी वाकई बना के दिखाईए सो इसे दे नाल मैनू कीर्ति ते कैमरामैन शिवम गिल नूं दो इजाजत धन्नवाद। शादी की सभी तैयारियां हो गई, मिठाई कहाँ से आ रही है? सिर्फ और सिर्फ सुधीर स्वीट स्नैक्स एंड बेकर से। 135 सालों से स्वादिष्ट एवं शुद्ध घी की मिठाइयों के निर्माता सुधीर स्वीट्स, सेंट्रल टाउन, फगवाड़ा।